हरियाणा को मिलेगा नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। जी हाँ, पूरी खबर क्या है चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल अब राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में बेहतरीन प्रदर्शन के चलते हरियाणा का चयन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 के लिए किया गया है। तो हरियाणा को राज्य ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन पुरस्कार क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक अभय बाकरे ने हरियाणा सरकार को लिखे पत्र में बताया है कि विद्युत मंत्रालय की पुरस्कार समिति ने पुरस्कार विजेताओं को अंतिम रूप दिया है। इसके साथ ही हरियाणा को राज्य ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन पुरस्कार क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार के विजेता के रूप में चुना गया है। इसके साथ ही देखिए, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, आदर्श ऊर्जा प्रबंधन की पहचान को और प्रोत्साहन करना इससे, जिससे सामाजिक और आर्थिक लाभ भी हो सके। ये पुरस्कार 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाला है और इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा को ये पुरस्कार सौंपेंगी। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की ओर से आयोजित किया जाता है। इसके साथ ही देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर अपने बधाई संदेश में कहा है कि मुझे गर्व है कि हमारे राज्य में ऊर्जा कंजर्वेशन के क्षेत्र में अपने प्रयासों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त की है। हमने अनेक ऊर्जा कंजर्वेशन परियोजनाओं को सफलतापूर्वक प्रारंभ किया है। इसके साथ ही नए और नवाचारी तकनीकों का उपयोग करने का प्रयास भी किया गया है। हमारी सार्वजनिक परिवहन और उद्योगों में ऊर्जा उपयोग को देखते हुए हमने ऊर्जा संचय और स्थायीता के लिए नई योजनाओं को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये कहना है। इसके अलावा देखिए, हमने लोगों को ऊर्जा कंजर्वेशन के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं, मनोहर लाल आगे कहते हैं, और आप भी आगे बढ़कर अधिक ऊर्जा कंजर्वेशन की दिशा में सरकार के प्रयासों को और भी मजबूत करें और ऊर्जा का कंजर्वेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस तरह की अपील मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से की गई है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों, साथ ही प्रतिष्ठानों, संगठनों को ऊर्जा बचत में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। इसके साथ ही देखिए, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार की परिकल्पना नवीन उपायों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो फिलहाल देखिए, हरियाणा सरकार के लिए और हरियाणा प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।